हेलो, नमस्ते प्यारे बच्चों। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12th के लिए जो हमारी आज क्लास है उसके अंदर आपका स्वागत है। और आज से हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि ड्राइंग ऑफ मशीन पार्ट्स है। ड्राइंग ऑफ मशीन पार्ट्स से पहले हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट पूरा कर चुके हैं। ऑलमोस्ट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स है वो पूरे कर लिए होंगे और मैंने उसमें लगभग सारे टॉपिक आपके कवर कर दिए थे और उससे आप अपना वो कर लेंगे। तो आज हम मशीन पार्ट्स पे बात करेंगे। और मशीन पार्ट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मशीन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उनको असेंबल करने के लिए फास्टनिंग टूल्स होते हैं जो कि परमानेंट फास्टनिंग और टेम्प्रेरी फास्टनिंग होते हैं। इनका मैं नोट्स जो हैं वो आपको भेज दूंगा। तो हम सीधा ड्राइंग की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें थ्रेड्स होते हैं। थ्रेड्स हमारे अगेन थ्योरेटिकल पार्ट है, कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बोल दूंगा, भेज दूंगा असाइनमेंट में नोट्स के अंदर। अभी हम सीधा एक पहला जो थ्रेड है, इम्पोर्टेंट थ्रेड है, एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर्स पे बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि BSW, शॉर्ट फॉर्म है BSW, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ, ये थ्रेड का नाम है। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ड्रॉ टू स्केल 1:1, जैसे मैंने इसका शॉर्ट लिख दिया है, स्केल 1:1, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, द स्टैंडर्ड प्रोफाइल ऑफ BSW थ्रेड। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ड्रॉ टू स्केल 1:1 द स्टैंडर्ड प्रोफाइल ऑफ ए BSW थ्रेड टेकिंग पिच, एनलार्ज्ड पिच या पिच ऐसे लिखा होगा 50 mm, गिव स्टैंडर्ड डायमेंशंस। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है पूरा आपके लिए, बस मैंने लिख दिया स्केल 1:1 इंपॉर्टेंट है और पिच कितनी है 50 mm, 60 mm, ये हमारे को ये पता होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ डायमेंशंस हैं जो हमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्राइंग में आपको बताता रहूँगा, आप ध्यान से उसको सुनते रहेंगे। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, जैसा कि हम यूजुअली बनाते आए हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है हमें। और उस हॉरिजॉन्टल लाइन को लाइट ही बनाएंगे, डार्क नहीं करेंगे, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए डार्क बनाऊंगा ताकि आपको विजिबिलिटी रहे। तो मैं इसके लिए आज ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डिफरेंट कलर्स जो है वो इस्तेमाल कर लूँ, स्केच कलर्स का इस्तेमाल कर लूँ आपके लिए। तो ब्लैक कलर जो होगा वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो डार्क लाइन्स है उसको रिप्रेजेंट करे ब्लैक कलर, और रेस्ट ऑफ द कलर्स जो हैं उसमें मैं बेसिकली रेड सोच रहा हूँ, रेड ले लेता हूँ और उसको मैं लाइट शेड्स के लिए आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने रेड कलर लिया है जो कि क्योंकि मुझे लाइट बनाना है इसको, तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, अब आपको ये विजिबल होगी। ठीक है, और इसके अंदर मेरी पिच 50 है। जब पिच 50 है तो मैं हाफ ऑफ द पिच यानी कि 25 mm पे डिफरेंट पॉइंट्स ले लूँगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। क्लियर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 mm, ये 25 mm पे मैंने एक डिस्टेंस लिया, तो ये मुझे डिस्टेंस पे मार्किंग करनी है 25 mm पे। और इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें कम से कम दो थ्रेड पार्ट्स जरूर दिखाने हैं, ज़्यादा दिखाना चाहो दिखा सकते हो लेकिन ज़्यादा दिखाने में टाइम ख़राब हमारा होता है। ठीक है, ये हमने मैंने मार्किंग कर ली है इसके अंदर। अगर इफ इट इज़ नॉट विजिबल टू यू तो मैं उसको ब्लैक से मार्क कर देता हूँ। ये देखिए, नाउ इट मस्ट बी विजिबल टू यू। ओके, अब इसके ऊपर हमें वर्टिकल लाइंस
परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करने के लिए हम साइड में हमारे जो मार्जिन हम ड्रॉ करते हैं वहाँ से इसको इस तरह से ले लेंगे और वर्टिकल लाइंस जैसे कि हम सेंट्रल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से हम ये हमारी वर्टिकल्स लाइंस हो गई हैं। क्लियर। अब हमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी इसके पैरेलल 3 मोर लाइंस ड्रॉ करनी है। अब वो समझेंगे कि कैसे कैसे ड्रॉ करनी है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। हमें डी बाय सिक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी बाय सिक्स, डी मतलब पी बाय सिक्स, सॉरी पहले हमें डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी के लिए हमारा 96% ऑफ पी होता है, ठीक है, जिसको हम 0.96p लिख लेते हैं। ये हमारा d है। आई थिंक आपको समझ में आया d का मतलब क्या होता है। 96% यानी कि पिच जो हमारा 50 है उसका 96% निकालेंगे यानी कि 48 हो जाएगा। तो 4.8 पर हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। 4.8, 1, 2, 3, 4 एंड ये 5 से थोड़ा सा नीचे, ये हमने मार्किंग कर ली। ये देखिए, क्योंकि ड्राइंग में मुझे थोड़ा बड़ा लेना चाहिए था लेकिन मैंने छोटा ही लिया है और इसी वजह से मैंने लाइंस भी थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ कर दी थी। अब ये भी लाइन हमारी लाइट ही रहेगी, ये ध्यान रखेंगे। तो हम मैं आपके लिए रेड पेन से बना रहा हूँ। जो भी लाइट लाइन है वो मैं आपको रेड से बना के दिखा रहा हूँ। इसको हमने लाइट बनाना है। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हो गया है, इतना ऊपर नहीं लेके जाना है आपको। ये इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली है। अब हमें ये जो डी है इसका डी बाय सिक्स करना है। डी बाय सिक्स जब हम करेंगे तो 48 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 mm आएगा निकल के। कितना आएगा? 8 mm। क्लियर। तो मैं 8 mm नीचे से 8 mm और ऊपर से भी 8 mm ये मार्किंग कर ली मैंने, ठीक है। फ्रॉम द बेस 8 mm डी बाय 6 लेना है, ऊपर और नीचे दोनों। डी हमारा 48 हो गया था तो हम नीचे से भी डी बाय 6 यानी कि 8 mm लेंगे। 8 mm पे मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द प्रीवियस वन, और ऊपर भी 8 mm ऊपर से डिस्टेंस लेके और हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करूँगा इस तरह से। तो ये मेरे पास 4 लाइंस आप देखिए हो गई हैं इसके अंदर। ये सभी हमारा लाइट बनना है इसलिए मैंने रेड कलर यूज़ किया है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ,
रेड कलर मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये आपको लाइट बनाना है। जो ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ वो आपको डार्क बनाना है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हमें करना क्या है, अब ध्यान से देखेंगे, हमें ट्राइंगल्स कंप्लीट करने हैं। अगेन ये रेड कलर से ही मैं बनाऊंगा, और ये देखिए, ठीक है, तो मैं पहले ऑल्टरनेटिव लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं। ये देखिए, उम्मीद है आपको ये चीज़ यहाँ तक स्टेप समझ में आ गया है आपको। पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, फिर पिच का हाफ किया, उतने डिस्टेंस पे हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे मार्किंग कर ली, फिर हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की जो कि सेंटर लाइन की तरह ड्रॉ करना है, फिर हमने फ्रॉम द बेस 96% लिया, वो डी बन जाएगा 96%, यानी कि 48 पे हमने यहाँ पे मार्किंग की हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर नीचे से भी 8 mm यानी कि डी बाई सिक्स किया है, डी बाई सिक्स करने के बाद ये हमने लाइन ड्रॉ की ऊपर से भी, और फिर हमने इस तरह के ट्रायंगल्स बना लिए। यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, देखिए स्टेप्स के मार्क्स हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस बना देते हो, 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो इसके अंदर आपको 2 मार्क्स तो तभी मिल जाते हैं अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन सही डिस्टेंस पे बना दें, और वर्टिकल्स लाइंस अगर आप बना दें तो 2 नंबर तो आपके मिल जाते हैं। फिर ये ट्राइंगल्स वगैरह बनाने का 1 नंबर इसका भी मिल जाता है आपको। तो आपको इसके अंदर स्टेप्स के ही मार्क्स हैं जो कि आपको बनाने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये राउंड्स करना है, इसको ऐसे राउंड बनाना है। तो उसको बनाने के लिए उसका तरीका समझेंगे हम। उसका तरीका क्या होता है कि ये जो एंगल हमें नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये ध्यान से, ये और इस लाइन के बीच में ये जो एंगल नज़र आ रहा है हमें, ये वाला, ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर करना है हमें। तो एंगल बाइसेक्टर करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे। देखिए हम इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर करेंगे, एंगल बाइसेक्टर करना आप लोगों को आता है सभी को, ठीक है। और जहाँ पर इसने इस ब्लैक वाली वर्टिकल लाइन को कट कट किया है, वो हमारा सेंटर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेंटर बन जाएगा, और इस सेंटर से फिर हम इसको राउंड फिलेट करेंगे। इसका कंपास में लगा के देखता हूँ, अगर मेरा यहाँ लग तो गया है, ये देखिए, हम कोशिश करेंगे
ये देखिए, मैं कोशिश की है मैंने कि मैं आपको राउंड करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि आई एम यूजिंग स्केच पेन, तो इसको राउंड करेंगे। अगेन मैं मार्किंग लगाता जाऊंगा। मैंने कंपास को उतना ही ओपन कर रखा है जितना मुझे करना था, और मैं इसको ऊपर से जो रेड लाइन है वहाँ तक मार्किंग कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, ठीक है। और सेम मैं यहाँ पर भी कर लूँगा इस तरह से, और कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं करना है नीचे भी। तो ये इस तरह से मैंने जितने भी मेरे ट्रायंगुलर पार्ट बन रहे हैं उसको राउंड कर लेना है, ऊपर भी और नीचे भी। ये देखिए, ठीक है, मैंने उसको राउंड किया है। अब राउंड करने के बाद जो मेरे लाइंस हैं बीच में, ये देखिए, इस राउंड के बीच में जो लाइंस आ रही हैं, ये इनको मैं डार्क कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको डार्क कर दूंगा, यहाँ से यहाँ तक भी डार्क हो जाएगा। ये डार्क हो गया, ये देखिए, मैं ये कह रहा था कि ये कम से कम आपको दो बनाने हैं, एक दो, दो बन गए तो मैं इसको ये थर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप यहाँ से ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसको पूरा ऊपर तक ना मिला के यहाँ तक ले जाओ, और ऐसे ही यहाँ से, ठीक है। अब इसको समझ लेंगे, ये मेरा जो पॉइंट आया, यहाँ से मैं इसको ये इस तरह से मैंने एक इसको कवर कर दिया, मेरे दो थ्रेड आ गए। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको नीचे से हाफ इधर बना के हाफ इधर बना के इसको मैं कवर कर दूंगा। और कवर करने के बाद अब मेरा हैचिंग पोर्शन आता है, मुझे हैचिंग करनी है। हैचिंग आप लोगों ने 11th में की थी, उसी को ही कंटिन्यू करना है। और उसके लिए हमारे पास बेस्ट होता है कि रोलिंग रूलर या स्केल का इस्तेमाल करें। हैचिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ, आपको पता है कहाँ करनी होती है, एंगल भी आपको पता है, 30-45 के बीच में हैचिंग का एंगल होना चाहिए हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो ये मेरे को हैचिंग करनी है, इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, कोशिश करनी है बहुत ज़्यादा आगे पीछे ना हो, गैप ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा क्लोज भी ना हो, इस तरह की हैचिंग आपको करनी है। और ये हमारा BSW थ्रेड, जैसे ही हैचिंग कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही हमारा BSW थ्रेड बनके कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसकी डाइमेंशनिंग करनी है, डाइमेंशनिंग मैं आपको बता दूंगा अभी। ये इस तरह से आपकी हैचिंग होनी है, तो ये हैचिंग आप कर लेंगे। उम्मीद है आप पूरा वीडियो देखेंगे और इस थ्रेड की प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्रेड जो कि 8 नंबर में यूजुअली पूछा जाता है, और पेपर में मतलब इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और इसको जब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये 8 नंबर हमारा बहुत आसान टॉपिक है, मुश्किल से 15 मिनट आपके लगेंगे अगर आप जब प्रैक्टिस में आ जाओगे तो। 15 मिनट भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, शायद 10 मिनट में ये हो जाएगा। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी हैचिंग करके दिखा दी है, ये हमारी हैचिंग पोर्शन है जो कि करना है, और हमारी डाइमेंशनिंग करनी है,
डायमेंशनिंग के लिए हमें एक तो पिच की डायमेंशनिंग करनी है। मैं अब हैचिंग छोड़ के आपको डायमेंशनिंग करके दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास पिच की डायमेंशनिंग हो जाएगी। ठीक है, दिस इज हाफ ऑफ द पिच। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं 0.5 पी, और दिस इज फुल पिच, इसको पी लिख देंगे, या जो भी पिच दे रखी होगी वो लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर हमें पिच दे रखी है तो 50 mm लिख देंगे, यहाँ पर 25 mm लिख देंगे। फिर यहाँ की डायमेंशनिंग हमारी करनी है हमें, डायमेंशनिंग क्योंकि लाइट कलर से होनी है तो हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उसके अंदर डायमेंशनिंग इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि डायमेंशनिंग के आपके एक या दो नंबर होते हैं इसके अंदर, तो डायमेंशनिंग हमें बहुत अच्छे से करनी है। और डायमेंशनिंग के लिए मैंने आपको बताया था, या तो मैं फ्रंट में उसको रीड कर पाऊँ, जैसे फ्रंट है तो ऐसे रीड कर पाऊँ, या फ्रॉम द राइट हैंड साइड रीड कर पाऊँ, ऐसे लिखनी है डायमेंशनिंग। तो कभी भी इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड रीडिंग हो जाएगी, तो हम इसको लिखेंगे इस तरफ। तो ये हमारा 0.96 पी है। ठीक है, और ये हमारा D/6 है। आप वर्टिकल भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि रीड होना चाहिए स्ट्रेट। ये हमारा D/6 है, ये भी हमारा D/6 है, जनरल डायमेंशनिंग भी कर सकते हैं। और अगर हमारे को कैलकुलेशन हो गई है तो हम वो भी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कैलकुलेशन के बाद आता है 64%, यानी कि 0.64 पी। ये हमारा डायमेंशनिंग में जो निकल के आता है वो इस तरह से निकल के आता है। तो ये हमारा BSW थ्रेड की डायमेंशनिंग हो गई है। BSW थ्रेड हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं और आपने देखा है कि वहाँ पे भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का कोई लिंक आपको प्रोवाइड नहीं हुआ है। तो इसलिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स करने का एकमात्र जरिया यही है कि जो मैं आपको वीडियो देख भेज रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखें और उसको समझ के करें। कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। सिलेबस हमारा, आपको पता है, यूनिट 1 हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और यूनिट 1 कंप्लीट होने के बाद हमारा जो सिलेबस है वो यूनिट 2 है। यूनिट 2 जो है 15 नंबर की आएगी, ड्राइंग ऑफ मशीन पार्ट्स। इसमें फ्री एंड स्केच 5 नंबर का आता है, और इस तरह से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के बाद जो हमें ड्राइंग बनानी होती है वो 8 नंबर की आती है। तो इंटरनल चॉइस आती है इस वाले टॉपिक में भी। आपके पास 4 क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चंस फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट यूजिंग ड्राइंग, ठीक है, और 2 क्वेश्चंस फ्रॉम फ्री हैंड स्केच। तो जो फ्री हैंड स्केच है उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, वो 5 नंबर की फिगर आती है। अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, पहले हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट से जो ड्राइंग बनेंगी उसके बारे में ही बात करेंगे। और इसके अंदर एक पोर्शन मैंने आपका ये कंप्लीट करवा दिया आज। एक पोर्शन मींस एक ड्राइंग, उसमें BSW थ्रेड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको आप करेंगे, हैचिंग आप पूरी करेंगे। ये देखिए यहाँ तक,
यहाँ तक पूरी करनी है हैचिंग आपको ऐसे, और फिर आपको उसको, मैं अभी कंप्लीट नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसको करें। आप लोगों ने वीडियो को देखा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और शेयर तो खैर क्या करोगे क्योंकि शेयर करने के लिए कुछ किसी और के पास ये सब्जेक्ट हुआ ही नहीं। तो आप लोगों का धन्यवाद।